19 जुलाई 2024 को वार्ड नंबर 2 के काउंसलर सोमेश्वर राव ने व्हाट्सएप पर डॉक्टर मलिक द्वारा लगाए गए एलिगेशंस का जवाब देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जो डॉक्टर मलिक जो है, जब ये इंसिडेंट हुआ था, जब विमला जी का इंसिडेंट जब हुआ था 6 तारीख को, तो 7 तारीख को जो है ये मेरे को फोन करके आए हैं कि भाई हमको नहीं पता था, ये तो नेग्लिजेंसी है, हम भी आता देखने के लिए। हम भी बोला डॉक्टर साहब आप डॉक्टर है, अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग के साथ कोई डॉक्टर नहीं है, इसीलिए हम बोला आप जरूर आइए। वो आए भी तुरंत आए, आके फिर हम लोग के साथ मिल के फिर वहाँ से गैप हो गए। और आप बोल रहे हैं कि हम डे 1 से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम कौन सा झंडा पकड़ा था भाई? हमको एक फ़ोन आया था, हमारा जोगाराव भाई काउंसलर हमको फ़ोन करके बोला है कि हम लोग को इस तरह प्रॉब्लम हुआ है, आप आइए, हम लोग को विमला बहन का जस्टिस के लिए लड़ना है। तो हम तुरंत आ गया, हम कोई झंडा पकड़ के नहीं आया, या फिर हम पार्टी का किसी को लेके नहीं आया। आप बोल रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स मैं नहीं कर रहा था, आप कर रहे थे पॉलिटिक्स, क्योंकि आप आए और वहाँ से गायब हो गए, क्योंकि उसके आगे आपको ज़रूरत नहीं है, आप एक MP कैंडिडेट है। अगर MP कैंडिडेट था आप, तो आपको उसी वक्त साथ में रहना चाहिए था, लेकिन आप क्या करें, वहीं से गैप हो गए। और हम शुरू से लास्ट तक उनका साथ था, आपका जब हम लोग को डिटेन किया गया था बस में, तब आप थे क्या वहाँ पे? आप बोल रहे हैं मैं पॉलिटिक्स कर रहा था, हम पूरा उनका साथ शुरू से लास्ट तक था। अब जब हम लोग DC साहब से मिलने गए थे लास्ट में शाम का टाइम में, तो शाम को DC साहब हम लोग सामने ही बोले कि वहाँ में कुछ भी हो, अभी रात हो गया, रोड का साइड करो, हटाओ साइड करो, कुछ भी करो, पुलिस को इतना बोला था। वो सुन के हम लोग भी समझ गया कुछ ना कुछ होएगा, इसीलिए हम लोग उतर के नीचे आते आते लो लाठीचार्ज शुरू कर दिया बोलकर, जो कि हम लोग को नहीं पता था। जब हम नीचे आया तो पता चला कि वहाँ लाठीचार्ज शुरू हो गया, तो यहाँ भी शुरू करने वाले थे, तो हम लोग बोला चलो हम लोग काम करते, जेल जाते, जेल भरो आंदोलन करते। वो बोल के हम नीचे उतरे, तब भी हम लोग को धक्का भी लगा, हम लोग को पुलिस वाला आके धक्का भी मारे हमको, जोगाराव भाई को, और पब्लिक भी जो आना मांगता था थाना में, उन लोगों को भी आने नहीं दिए। तब तो आप वहाँ नहीं थे, और आप बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं कि हम जो है पॉलिटिक्स करता है, वो लेडीज़ को चोट लग गया वो छोड़ दिया, और CS का तारीफ करता। CS का तारीफ हम इसलिए किया क्योंकि CS सर ने सीधा सीधा बोला, हम आपको एक हफ्ता में जो आप लोग बोला है डिमांड का, हम पूरा कर देगा, वो जॉब का और कंपनसेशन का दोनों हम पूरा कर देगा बोले, और एश्योरेंस दिए एक हफ्ता के लिए। ठीक है, हम लोग भी बोले एक हफ्ता में तो क्लियर हो जाएगा। फिर उसका बाद हम लोग जब 2 दिन में फिर वहाँ गए, हम लोग अपना म्यूनसिपल के इश्यूज लेके गए थे, स्ट्रीट लाइट वगैरह, तो CS सर पहले ही देखते साथ ही बोले कि आप लोग का इश्यू जो है हम LG साहब तक पहुँचा दिया, वो भी अग्री हो गए, कर देंगे बोले। जब हम लोग का डिमांड सब CS सर पूरा कर रहे हैं। और एक बात, आप बोल रहे थे कि चोट उनको लगा हमको नहीं लगा, आप आके पूछे क्या CS को? CS सर को आप पूछे है क्या? आके हम जाके पूछा था, सर ये गलत है, हम लोग न्याय मांगने आए थे, हम लोग और सारे फिशरमैन लोग सब मिलके न्याय मांगने आए, जोगारा हो गया कौन सा, हम हो गया कौन, हम लोग न्याय मांगने आए तो पुलिस वाला हम लोगों पर अटैक कर दिया, ये कहाँ तक सही है? इसलिए अपोलोजाइज करने के लिए हम बोले थे। लेकिन CS सर जब जवाब देने लगे, देखिए अभी कोई भी होने दीजिए, मेरे ऊपर भी कुछ आएगा तो हम भी अपना प्रोटेक्शन करेंगे, वैसे ही CS सर भी अपना डिपार्टमेंट का प्रोटेक्शन किया है, वो अपना बोले हैं जो बोलना है, अपना तरफ से जो बोलना है बोले। और जब वो बोले कि आप लोग इस तरह अटैक नहीं करना, इतना 400 आदमी के बीच में डिसीजन नहीं होता, आप आते तो 4 जन के बीच में कमरा में डिसीजन होता, तो सब सही लगा मेरे को भी। तो कमरा में आने का बात ही डिसीजन हुआ, तो उसमें कुछ लोग को गुस्सा भी आया, कुछ लोग और कुछ बोले, छोड़िए हम उसे जाने नहीं मिलता, क्योंकि बोलने वाला बहुत कुछ बोलते रहेंगे। हम ईमानदारी से आया था, ईमानदारी से उनका साथ था शुरू से लास्ट तक, अगर प्रॉब्लम हुआ तो हम छोड़ के नहीं भागा, छोड़ के भागा वाला आप है, और आप मेरे को बोल रहे पॉलिटिक्स कर रहा था। डॉक्टर मलिक जी, आप जब मेडिकल में रहते हैं एक तरह रहते हैं, अभी बाहर आ गए पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, जब निकल के आ गया आप खुद बोला था इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, विमला जी का मामला में कुछ ना कुछ गड़बड़ है करके आप खुद बोले थे, और अभी आप क्लीन चिट भी दे रहे हैं मेडिकल वाले, आप दोनों तरफ बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स तो इसको बोलते हैं। और आप जब मेडिकल में था मीडिया वाला के ऊपर आप अटैक करते हैं, उनको थाना में ले जाते हैं, उनको ऊपर FIR काटने के लिए बोलते हैं,
आप कहाँ का इंसाफ का बात कर रहे हैं? आप डेमोक्रेटिक कंट्री में है, कहाँ है आप, कौन सा दुनिया में है? आप बोलना है तो ईमानदारी से सीधा सीधा जो बोलना है सामने बोलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए, आधा इधर आधा उधर, वही तो पॉलिटिशियन, और आप मेरे को पॉलिटिशियन बोल रहे हैं। देखिए जितना जो भी हुआ उसमें हम सीएस सर को धन्यवाद बोला है, अभी भी बोलता है दोबारा, क्योंकि सीएस सर देखते साथ मेरे को बोला है, हमको और जोगाराव को बोला था कि उनका जो मैटर है विमला जी का, हम एलजी साहब से बात हो गया मेरा, हम जो काम है कर देंगे बोले, तो हम लोग उनको धन्यवाद दिए। और जब हम लोग पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का जब हम लोग डिमांड रखे थे फिशर कम्युनिटी से, जब वो भी फुलफिल कर दिए, तो धन्यवाद बोलने में क्या गलती है? हम बोला है, अभी भी हम गर्व से बोलता है, सीएस सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देता है, क्योंकि पीआरओ अपॉइंट होने का बाद एक मेरा कैंसर पेशेंट था जो वैजाग जाके आया, उनको जो है कीमो कीमो दे रहे थे, उनको बोल दिए थे कि आपको और ऑपरेशन नहीं कर सकते, कीमो से ही आपको बचना है, जहां तक रहेगा कीमो ही है। तो तुरंत वो मेरे को फोन किया और बोला भैया हम कीमो हम कैसा यहाँ कराएगा, हम उससे अच्छा अंडमान आ जाएगा। हम बोला आ जाइए, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर से बात करते, बोल के लाल सर से बात किया, लाल सर बोले ठीक है आप बुला लीजिए हम करा देगा, बुला लिया। उसके बाद जब पीआरओ अपॉइंट हो गया था, तो हम कल का इशू है, कल वो लोग गए थे मेडिकल, मेरे को बुलाए, हम टेस्ट करने के लिए हम नहीं गए, हम सीधा पीआरओ को, पीआरओ मैडम को फ़ोन किया, जय विश्वास को फ़ोन करके उनको हम बोला इस तरह पेशेंट है, आप थोड़ा देख लीजिए। वो अटेंड करी, वो पेशेंट गया, पेशेंट का साथ लेके जाकर डॉक्टर से मिलाई। अब उनका आज कल उनको कुछ बोला था कि आज आके ब्लड टेस्ट करा लो और कुछ दवाई देंगे, उनको दवाई भी दिया कल, और शायद उनको ये भी बोला है कि आपको कीमो का दवाई दे देंगे, हम कीमो का जरूरत नहीं है, बहुत तकलीफ में, वो पेशेंट ही बोल रहा था कि हमको कीमो नहीं चाहिए। तो इस तरह जब हम लोग जो चाहता है वो हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है हमको समझ नहीं आता, और कुछ लोग को क्या दिक्कत है हमको नहीं हो। अगर सही है तो हम सही बोलेगा, गलत है तो गलत बोलेगा, सीधा बात, हम कभी झूठ नहीं बोलता, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं।